नैब न्यासी गठजोड़ के खात्मे का वक्त आ गया दूसरी तरफ सिंध की अगर हम बात करें सिध में तरमीमी बिल जो बलदिया तरमी बिल है उस हवाले से अपोजीशन सरापा एहत है सिंध जो है वो बिल वापस करने को तैयार नहीं इस पर अपोजिशन क्या करेगी प्रोटेस्ट जरूर हो रहा है और इन आ, आ, इस इख्तियार बलदियाती इंतबात होते हैं तो कराची का जो मेयर होगा आ, वो बे अख्तियार होगा बाख्तियार मेयर नहीं होगा और वो कराची जो सूबे को नाइन्टी फाइव परसेंट रेवनीू जनरेट करके देता है वफाकी हुकूमत को सिक्सटी परसेंट रेवनीू जनरेट करके कर देता है वो आ, इस वक्त उसका मेयर जो होगा वो उसके पास से सिर्फ कचरा उठाने के इख्तियार होंगे कराची शहर पहले ही जबूँ हाली का शिकार है और मज़ीद अगर मुकामी मुकामीकमतों के साथ ऐसा होता रहा तो ये शहर पहले ही एक कच्चे गाँव का मंजर पेश कर रहा है तो मज़द तबाहाली होगी अपोजिशन और कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पर खामोश क्यों रहे आ, ये बिल कोई आज की बात नहीं थी और कराची के जो सही मानों में स्टेक होल्डर्स हैं आ, वो प्रपोज़ल अपना क्यों नहीं दे सके और जब सिंधकूमत ये कानून साजी कर रही थी उसने लेटर लिखे अपोजिशन को ऑन वोट लिया आ, उस वक्त आ, ये जमातें प्रोटेस इन्होंने क्यों नहीं किया और जब वक्त गुजर गया उसके बाद सराप एहत हैं इन तमाम इश्यज़ पर बात करेंगे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़याज़ कायम खानी साहब सीियर रहनमा है एम के ओ पास्तान के खुश आमदी कहते हैं आपको शो में उनके साथ तशरी रखते हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब सीनियर रहनमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे मौला बखश् सुमरों साहब प्रेजिडेंट हैं इंसाफ यूथ विंग के और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फौजिया अमीर सीनियर रहन हैं पाक सरजमीन पार्टी की गुफ्तु का आगाज़ कायी साहब आपसे करते हैं आ, मुल्की सियासत पर तो हम अगले फेज़ में जाएंगे पहला फेज प्रोटेस्ट हो रहा है तरमीमी बिल आ गया बिल मेरे हल में अगले दो चार दिनों के बाद नाफुजमल भी हो जाएगा चूंकि वो सिंध हुकूमत तो उसको रिव्यू करने को तैयार नहीं देर क्यों कर दी आप लोगों ने चूँकि आप की पार्टी तो सिंध असम्बली में अपोजिशन में थी सबको पता था ये पाकिस्तान पार्टी आज से दो साल पहले ये प्रपोज़ल वो लेके आ गए थे देर कहाँ हुई देखें भाई बात जफी भाई बात यह है कि जो किसी भी कानून साजी का जो तरीक़ाकार अडोप्ट किया जाता है ना पीपल्स पार्टी ने वो कभी ज़िंदगी में नहीं किया है इससे पहले भी मुख्तलफ़ कि के जो बल्दियात के हवाले से इसने जो कानून साजी की है वो सारी इसने बिलडोज ही की है ये जो हालिया काला कानून जिसे हम काला कानून कहते हैं ये जो में बिल लेके आए हैं इस पर जो है इन्होंने किसी किस्म की भी मशावरत नहीं की है कि प्रॉपर तरीके से कहीं इन्विटेशन नहीं दी है किसी अपोजिशन पार्टी को हमने अपने तौर पर कुछ जो है सजेशन दी थी लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खुद कुछ नहीं बुलाया किसी को भी और जो इन्होंने पास करवाया है वो भी एक तारीख का हिस्सा है पांच मिनट के अंदर उन्होंने पास करवाया है पांच मिनट में पास करवाया इनके जो अपने अरकान है वो बाद में अपोजिशन से पूछते फिर रहे थे कि हमने साय, हमने किस चीज की हाँ की है हमने किस कौन से बिल की हाँ की है ये जो तरीकेकार पीपल्स पार्टी ने अपनाया आजादी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर उसने तमाम कवानीन को आइन को तमाम जमुरी रिवायत को इसने बिल्डोज कर दिया है। सही ठीक है वो वो जो लेटर आपको भेजे गए थे उस लेटर तो याद बना के वो कह रहे हैं कि हमने इनकी रजामंदी ले ली थी नहीं है ऐसा नहीं है हाँ असेंबली में डिबेट पे नहीं आया नहीं। नहीं। ये कोई नहीं शक नहीं ठीक है कोई भी कानून साजी जब तक असम्बली फ्लोर के ऊपर नहीं आएगी उस पर डिस्कशन नहीं होगी डिबेट नहीं होगी वो कानून नहीं कानून नहीं बनते ठीक है इस तरह तो लेकिन यहाँ तो बन रहे हैं पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी की यहाँ तक बात है ना पीपल्स पार्टी से कोई चीज़ बईद नहीं है पीपल्स पार्टी ने जो है ए, पिछले कुछ साल तेरह साल के अंदर निजाम को पूरे आइन को रोंदा हुआ उसने सही पूरे आइन को रोंदा हुआ उसने उसने जो है पूरा निजाम को धर्म भरम किया हुआ है उसने एन एफ सी के दस हजार अरब से ऊपर पैसा खाया हुआ है उसने मुख्तलिफ कि जो कोरोना के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को वो जवाब दे नहीं थी एन एफ पे जवाब दे नहीं है वो किसी किसी एक इशू के ऊपर वो खुद एक फेडरेशन की तरह बिहेव कर रही है ठीक है सिंह जो है एक एक फेडरेशन बन चुका है सही तो बात ये है कि पीपल्स पार्टी से कोई चीज बैठ नहीं है उसका उसने किसी भी अपोजिशन उस खुद ही फ्लोर पे कह चुके हैं वजीर आला फ्लोर पे कह चुके हैं कि

सिंध के अवाम के साथ चौदह साल से मुसलसल ज़्यादती हो रही है अब ये तरमीमी बिल लाकर सिंध और बिलखसूस जब कराची की हम बात करते हैं कराची का मेयर और अंदरून सिंध तमाम शहरों का जो मेयर होगा उसके बाद इखियारात तो नहीं होंगे और इख्तियार सारे पाकिस्तान पार्टी यानी आपकी सूबाई हुकूमत तो आपकी है आप ही के पास होंगे शुक्रिया देखिए ऐसी बात हरगज़ में और इकतदार आने जाने वाली चीज़ होती है हमेशा इकतदार किसी के पास ना रहा है और ना रहेगा और जब कानून बनता है तो उस उस कानून में तमाम लोग उसके पाबंद होते हैं एम क्यू एम कल अकतदार में आ सकती है सही। इसी बलदयाती निज़ाम को ये एम क्यू एम भी इस्तेमाल करेगी और ये कोई नया कानून हमने नहीं बनाया ये दो हज़ार तेरह का कानून है इसमें चंद एमेंडमेंट्स किए हैं और उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को ऑन बोर्ड रखा गया है और सबकी राय भी ली गई है और इनका कहना भी माना गया है टाउन सिस्टम एमक्यूएम के दोस्तों ने कहा बिल्कुल रखा गया उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टी टैक्स सिटी गवर्नमेंट को दिया जाए बिल्कुल वो भी रखा गया ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सराह हैं उनकी सीटें भी रखी गई हैं और बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट्स जो आ, बेहतर अंदाज में हो सकती हैं वो आ, की गई हैं और एम क्यूम के जो दोस्त या दूसरे लोग हैं उसको काला कानून कहते हैं तो बात ये है कि काला कानून है बिल्कुल इनसे होती रही है और काफी अरसे से ये मामला चल रहा है तो, तो ये ये देखिए काला कानून हो या चिट्टा कानून हो इससे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता अवाम ये चाहते हैं कि हमें चीजें मिले मेयर जो फंड है यहाँ इख्तियारा की जंग है ना आपने कहा अठारवी तरमीम के बाद हमने सूबे बाख्तियार बना दिए सुबह कह रहे हैं कि जी फंड वफाक से नहीं आ रहे अच्छा मकामी हुकूमतियाँ सबक मेयर वसीम अख्तर साहब चीख चीख के कहते रहे कि जी हमें फंड्स नहीं मिल रहे आपकी तरफ फंड्स नहीं मिल रहे अब मुझे ये बताएं कि ये फंड्स तो आपके पास होंगे यानी सिंधुकूमत के पास हैं असल जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल आपके पास है मेयर तो बराम एक डमी तो जिस तरह प्रेजिडेंट होता है उसके पास एक सीट जरूर होती है लेकिन उसके पास इख्तियारात तो नहीं है बहुत अच्छी बात देखिए वसीम अख्तर साहब मोहतरम हमारे भाई हैं और वो पूरे चार साल मेयरशिप पर रहे और वो जो मेयरशिप की इशरत होती है वो पूरी उठाते रहे उससे फैजयाब होते रहे और वो यही बात कहते रहे कि जी मुझे इख्तियारत नहीं हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं ठीक है तो जनाब जब आपके पास इख्तियारत नहीं थे और आप सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की के दस दस गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे बंगला इस्तेमाल कर रहे थे बहुत सी उसके पैसा इस्तेमाल क्यों कर रहे थे आप आवाम के पैसे का जया क्यों कर रहे थे आप कुर्सी छोड़ देते कि नहीं है और मैं इस पर मजीद नहीं रह सकता ये आवाम का फैसला है और मैं इसका भाई ये तो बात एक तो राना साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि जिस दिन आप वसीम अख्तर साहब जा रहे थे उन्होंने फाइलें फेंकी रोए बहुत समंदर भर गया उनके हंसों से कराची वालों के दुख तो उनका मदावा तो नहीं हो सका और परफॉर्मेंस तो आज भी चैलेंज है उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब और कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स उस चीज़ को चैलेंज करते हैं और हम भी इसी शहर में रह रहे हैं हमें भी पता है कि काम नहीं हुए चार साल हुए देखिए भाई बात यह है कि चार साल में काम की जहाँ तक बात है ना इनकी एक दूसरी बात मैं बता दूँ आपको पीपल्स पार्टी ने दो हज़ार दस में जो है अठारहवीं तरमीम लेके आई थी ठीक है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी तमाम सियासी जमातों ने उसको सपोर्ट किया कुछ चीज़ें ऐसी थी निचली सतह तक बुनियादी जमहूत को इख्तियार देने का मामला था वन फोर्टी ए उसमें शामिल था तो तमाम तो तो जमातों ने है उसकी हिमायत की थी आज ये महसूस हो रहा है जब अठारहवीं तरवीम लेके आई थी पीपल्स पार्टी को पता था कि मैंने सूबे तक महदूद होना है सही। उसे मालूम था 2010 में कि मैंने सुबह तक महदूद होना है तो लाहौल में सुने अब बात यह है कि ये जो ये जो बलदियाती कानून लेके आए ना ये इनको नजर आ रहा है ये पार्टी को नजर आ रहा है कि हमारा फ्यूचर क्या है ठीक ये जो तमाम बलदियाती इख्तियार अपनी तरफ मुंतकिल करके जो इन्होंने ये कानून साजी की है जिसमें हमारे भाई ने कह दिया है कि <laughs> बता दिया है कि हम क्या दे रहे हैं हाँ। तो मेरा भाई बात यह है कि जो पचास साल से पूरा हेल्थ का सिस्टम केम सी चला रही थी हाँ� एजुकेशन सिस्टम पूरा केमसी चला रही थी सही। जो इदारे बल्दियाती हैं, मैं है मैं यहाँ नाम गिनवा देता हूँ आपको कि कितने बल्दियाती इदारे हैं जो कि के केमसी के पास हैं है या कितने सिंध गवर्नमेंट के पास है ठीक हो गया बल्दियाती इदारे सारे इस वक्त सिंध जितने रेवेन्यू के इदारे हैं बल्दियात के वो सारे सिंध गवर्नमेंट के पास है मैं नाम पूरे लिस्ट लिस्ट गिनवा सकता हूँ ठीक है जी आप वाटर बोर्ड बोर्ड वाटर एंड सेवरेज बोर्ड उठा के देख ले आप केबीसी उठा के देख ले आप लोकल टेस्ट उठा के देख ले आप, आप बिल बोर्ड उठा के देख ले चले, 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 तो तो गुफ्तु करते हैं दो हजार तेरह में फारूक सत्तार भाई की कायम अली पिक्चर पे ये बता दू मैं आपको बता दू ये असल में खिलाफ प्रोपकंडा इस्तेमाल किया हुआ अच्छा ये दो की तस्वीर नहीं है दो हजार की तस्वीर है अच्छा 2011 का जो बिल की जो बात जिस पर पास हुआ था ये उस वक्त की तस्वीर है जो उस बिल में क्या था ये भी बता दें 2000 से ज्यादा क्योंकि हमको तो मालूम दे है देखिए 2013 की बिल में एमके मुत्तफिक नहीं थी ठीक है लेकिन हमने सपोर्ट नहीं किया नहीं नहीं किया नहीं इन्होंने लो पास कर लेना था ना इनके पास वक्सीयत थी पीपल्स पार्टी तो के के तो ये वोटर्स आपको ये कह रहे हैं कराची के आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप सिंध असेंबली के गेट पे प्रोटेस्ट करते थे अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देते थे जिस तरह पुलिस करती है सिंध में अपनी कार्रवाइयां कि आप जाए अंदर सुकून से अपनी बिल पास करें हम बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अवाम को दिखाने के लिए आपके वोटर्स कह वोटर छोटे छोटी नहीं इसकी छोटी सी एक बात है ना आखिर तो ये पीपल्स पार्टी बल्दियात के ऊपर डाका क्यों मार रही है अगर एम्क्यों, एम्क्यों की बात करते है ना, क्यों डाका मार्ड क्यों डाका मार रही है ये एमक्यूएम की वजह से कानून साजी की जा रही है पूछ लेते हैं पूछ लेते हैं ज्वाइन किया वीडियो लिंक के जरिए डॉक्टर साहब खुश आमदी कहते हैं आपके प्रोग्राम में

और ये मैं देख नहीं सकती हूँ कि कौन आ, क्या बात कर रहा है सिर्फ मैं सुन रही हूँ ये जिस भाई ने कहा है कि आ, उनको ये खौफ है कि एमकेएम आ जाएगी फयाज काइम हनी भाई एमकेएम तो से जी दिल को बहलाने दि, जी जी की परफॉर्मेंस रही है आ, माजी में और जो ये अभी भी जो कुछ कर रहे हैं पहले तो ये अपने आ, पार्टी को इन हाउस जो है वो डिसिप्लिन uh, में लेके आए uh, उसको ठीक करें और उसके बाद इलेक्शन की बात करें इलेक्शन अभी ना ये सोचे अभी सक पार्टी को अपनी बचाएं uh, क्योंकि हर शख्स जो है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में इनके जा रहे हैं हमारी अच्छा, पार्टी पे, है साहब हमारी पार्टी एक पेज पे है आ, हम तमाम... तो आपने कहना है नहीं। नहीं, हम तमाम लोग डॉक्टर मकबूल सदीकी की सरबराही में एक ही हैं एक है आप ये नहीं, नहीं। ये आप हमारी फिक्र छोड़ दे जो आपकी पार्टी से लोग आपने आप जो शुरू की थी ना और जो लोग चले गए उनकी बात आपके करें आपके आपकी हमें कोई फिक्र नहीं है नहीं, आप फिकर फिकर है। की फिकर आप हमारी करें करें की जिनके वोटों से आए हैं और जिनको आप बेवकूफ बनाते रहे हैं और अभी भी उनको बेवकूफ बनाने की मजीद कोशिश कर रहे हैं हर बरहल, अभी जो टॉपिक है वो लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक है और इसमें ज़फीर मैं ये बात करूंगी जी कि जी. जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एक हम डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम uh, की हम जब बात करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका एलिमेंट है दैट इज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब हम उसकी बात करते हैं और फिर ये है कि लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर काम क्या क्या है मैं चीदा चीदा बातें बताऊंगी जिस तरह के सोशल केयर है स्कूलिंग आप ब्रेक ब्रेक के के बाद में आपकी तरफ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है ब्रेक के बाद फिर हम आपसे जानेंगे कि कौन कौन से चीता चीता पॉइंट्स हैं और खास तौर पर क्या पाक सर जमीन पार्टी अपसेट करेगी आइंदा इंतबात में जो बलदियाती इंतबात होने जा रहे हैं और दूसरा थर्टी फोर परसेंट जो है वो ये शहर मेयर के पास होता है उसमें इख्तियारत और फंड्स का मसला और फिर कराची की डेवलपमेंट कैसे होगी इन तमाम इश्स पर बात करेंगे और खास तौर पर आसिफ अली जदारी साहब नेकूमत को ललकारा है उस पर भी बात करेंगे लेकिन उनसे पहले एक मशहब्रेक